मित्रों नमस्कार संस्कृता है। आज हमारे स्टूडियो में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप स्टूडियो में आए। धन्यवाद महोदय। कुछ आपसे सवाल जवाब करने थे। एक तो ये कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 7-8 अगस्त और 17-18 अगस्त को परीक्षा निर्धारित की गई है, क्या अपने निर्धारित समय पर ये परीक्षाएं हो पाएंगी? हाँ बिल्कुल, ये परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर ही कराई जाएंगी। और ये अफवाहें कौन फैला रहा है, या मीडिया के लोग फैला रहे हैं, या उपाध्यायों द्वारा फैलाई जा रही है? ये परीक्षाएं जो निश्चित की गई हैं और ये निश्चित समय पर ही होंगी। 7-8 अगस्त निश्चित की गई है, 17-18 अगस्त निश्चित किया गया है, परीक्षाएं निश्चित तिथि पर कराई जाएंगी। देखिए पत्रकार महोदय, मैं आपको इस बात से अवगत करा दूं कि ये सरकार के प्रति उपाध्यायों द्वारा फैलाया जाने वाला प्रोपेगेंडा है और ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। यदि कोई नकल माफिया सरकार को बदनाम करने के लिए या परीक्षा में नकल कराने की कोशिश करता है तो सरकार उसके प्रति सख्त से सख्त कदम उठाएगी और किसी भी नकल माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। और कान खोलकर सुन लें कि नकल कराने की कोशिश वो सपने में भी ना देखें। इसके लिए हमारी सरकार ने दो ही जगह उपद्रवियों के लिए और नकल माफियों के लिए निश्चित किया है, या तो वो जेल में होंगे और या तो उनकी जगह स्वयं उन निश्चित कर लें। ऐसा लग रहा है जैसे आप धमकी दे रहे हो। देखिए अगर आपको लगता है कि धमकी है तो ये धमकी समझ लीजिए, लेकिन सरकार परीक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। और हम विद्यार्थियों को भी ये आगाह करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, ना कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर। ये जो अपराधियों द्वारा या नकल माफियों द्वारा जो दुष्प्रचार सरकार के प्रति किया जा रहा है, तो ये विशेष अपील हमारी है कि आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर आप ध्यान न दें जिससे आपकी परीक्षा बाधित हो। सरकार आपके साथ है, परीक्षा एकदम शुचिता पूर्वक होगी। एक दूसरा जो ज्वलंत प्रश्न है कि पहले मंडलवार परीक्षाएं होती थी और उसको इस बार जिलेवार बना दिया गया है, जिससे कि विरोधियों का कहना है कि परीक्षा शुचितापूर्ण ढंग से नहीं हो पाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? सरकार परीक्षा शुचितापूर्वक कराएगी और इससे कोई समझौता नहीं होगी। ये परीक्षा शुचितापूर्वक होगी, किसी भी नकल माफिया को कोई स्थान नहीं मिलेगा। हम परीक्षा नियत समय पर कराएंगे और इसके लिए हम सख्त से सख्त और कठोर से कठोर कदम उठाएंगे कि परीक्षा हमारी शुचितापूर्वक हो। योगी जी, अंत में आप विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, आप बताएं। देखिए हम विद्यार्थियों से यही कहना चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी अपनी नियम पूर्वक तैयारी करते रहें, अपनी तैयारी से कोई भी समझौता ना करें, ना किसी भी प्रकार के अफवाहों में आएं। परीक्षा शुचितापूर्वक होगी, परीक्षा हम शुचितापूर्वक कराएंगे, उसमें किसी भी प्रकार की नकल की कोई गुंजाइश नहीं होगी और नकल कराने वालों के प्रति सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी भी भ्रामक प्रचार या किसी भी भ्रामक व्यक्ति के बहकावे में ना आएं, अपने समय को आप पढ़ाई में लगाएं। सरकार हमेशा योग्यता का ही सम्मान करेगी और योग्य व्यक्तियों को ही शिक्षा जगत में स्थान दिया जाएगा, तो इसलिए आप अपने तैयारी को विशेष दर्जा दें, बहकावे में ना आएं। हम आपके साथ हैं, सरकार शिक्षा और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, आप हम सभी के बीच में आए और अपना कीमती समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।